क्वेश्चन मैं बनाता हूं आपके सामने डायग्राम और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक आपको दे दिया गया है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल दिया है। पहले ये बना लेता हूं, फिर सेमी सर्कल किसी तरह से उसमें घुसाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल दिया है और क्वाड्रिलेटरल का नाम है ए बी सी डी, और इसके अंदर एक सेमी सर्कल है कुछ इस तरह से, टच कर रहा है इसको। यहाँ पे टच किया इसको, फिर इसको भी टच करेगा, फिर उसके बाद चलता चला जाएगा यहाँ से इसको टच करते हुए, फिर ये आ जाएगा अपनी जगह पे यहाँ। कुछ इसी तरह का फिगर है आपके सामने, देख पा रहे हैं फिगर? देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। यहाँ पे टच है, जहाँ पे टच है थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ। ये एक यहाँ पे टच है और एक यहाँ पे टच है, ठीक है? इन तीन जगहों पे टच कर रहा है, ये पॉइंट बी है। और ओ ए आपको अगर सेंटर यहाँ है तो आपको एक चीज दे दिया है कि ओ ए इज इक्वल टू ओ डी। ध्यान दीजिएगा क्या दे दिया है, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी दे दिया है। और आपसे पूछा क्या है, ई डी। कुछ लेंथ्स और आपको दी हुई हैं, ये 16 दिया हुआ है और ए बी आपको 9 दिया हुआ है, ठीक है? अब देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें निकालना है ए डी। क्या निकालना है हमें, ए डी, वी हैव टू फाइंड ए डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ परपेंडिकुलर ऑन ए बी फ्रॉम ओ। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हम जानते हैं कि सेंटर से हम जब लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, ओके? वी ऑलरेडी नो दिस। ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, ये तीनों 90 होगा। थोड़ी सी सहूलियत और हो जाएगी अगर हम इसको मिला लेते हैं, अगर हम इसको मिला लेते हैं, यहाँ से इसको मिला लेते हैं, यहाँ से इसको मिला लेते हैं और ठीक है, ये हमने मिला लिया। और एक काम और करते हैं कि हम जो है इसको भी मिला लेते हैं, यहाँ से इसको यहाँ से मिला लेते हैं, ये कुछ इस तरह से, ठीक है? देख पा रहे हैं? अब एक बात बताइए, ओ ए इक्वल है ओ डी के, ध्यान दीजिएगा, ओ ए इक्वल है ओ डी के। ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, इसमें कोई शक? तीनों सर्कल का रेडियस है तो तीनों आर होगा। अगर ये आर है, ये पॉइंट हम मान लेते हैं एम, मान सकते हैं, और ये पॉइंट मान लेते हैं एन और ये पॉइंट मान लेते हैं ओ, यानी कि एमओ आर होगा, एमओ होगा आर, ठीक है? और ओ एन भी होगा आर, और ये एंगल राइट एंगल है तो ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा, यानी कि ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी एन, इज देयर इन डाउट? ओके, सो इफ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन आई कैन से कि इफ दिस इज एक्स, सपोज दिस इज एक्स देन दिस इज ऑल्सो एक्स, ये भी एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों एक्स हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर किसी ट्रायंगल में, अगर किसी ट्रायंगल में किसी पॉइंट से, किसी सर्कल में, सॉरी, किसी सर्कल में अगर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है, टू एक्सटर्नल टेंजेंट्स, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होता है, वो दोनों टेंजेंट इक्वल होता है, कुछ इस तरह से होता है इक्वल। ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ये आपने पढ़ा है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, एक बीओ और एक बीएम। बी पॉइंट से यू कैन सी इजिली कि बी पॉइंट से दो टेंजेंट है, बी एम और बी ओ, एंड इफ एम ए इज एक्स देन वॉट इज द लेंथ ऑफ बी एम। बी एम कितना हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा, किसी को डाउट हो तो बताओ, 9 - x हो जाएगा। बी एम कितना हो जाएगा, बी एम हो जाएगा 9 - x, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और अगर ये 9 - x है माई डियर, तो ये भी 9 - x हो जाएगा, अभी मैंने बताया उसी कॉन्सेप्ट से। और ये हो जाएगा 16 - x, तो ये भी हो जाएगा 16 - x, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है?
ये सब लेंथ हमने निकाल दिया। अब एक बात बताइए, अगर ये थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मैं नाम दे देता हूं ट्रायंगल वन एंड ट्रायंगल टू, सेम ट्रायंगल थ्री और ट्रायंगल फोर भी कॉन्ग्रुएंट होगा, और ट्रायंगल फाइव और ट्रायंगल सिक्स भी कॉन्ग्रुएंट होगा। मैं लिख देता हूं ट्रायंगल वन इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टू, सिमिलरली ट्रायंगल थ्री इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल फोर, एंड सिमिलरली ट्रायंगल फाइव इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सिक्स, एंड देयर इज नो डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट। सो इफ दिस इज थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, दिस इज फाइ, देन दिस इज ऑल्सो फाइ, एंड दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा, एंड इफ दिस इज अल्फा, तो दिस इज अल्फा, देन दिस इज ऑल्सो अल्फा, ओके। एंड वी नो कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम 180 होता है, यानी मैं लिख सकता हूँ, यानी मैं लिख सकता हूँ टू थीटा प्लस टू फाइव प्लस टू अल्फा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ से अगर मैं लिख दूँ थीटा प्लस फाइव प्लस अल्फा इज इक्वल टू वॉट, दिस इज 90 डिग्री, यू नो दिस इज 90 डिग्री, हमें पता चल गया यहाँ से, ठीक है। अब देखिए थीटा अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है और ये 90 है, तो एंगल एम ए ओ कितना होगा, ध्यान से बताइए, एंगल एम ए ओ कितना होगा, एंगल एम ए ओ कितना होगा, ये थीटा है और ये 90 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस तीनों का सम 90 है तो एम ए ओ कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस फाइव होगा कि नहीं होगा, अल्फा प्लस फाइव, एंगल एम ए ओ अल्फा प्लस फाइव होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस फाइव। और अगर ये अल्फा प्लस फाइव होगा तो दोस्तों मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, कि टेन टेन अल्फा प्लस फाइव, टेन अल्फा प्लस फाइव कितना होगा इस ट्रायंगल में, देखिए ध्यान से, एम ए ओ में, ट्रायंगल एम ए ओ में, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, ट्रायंगल एम ए ओ में टेन अल्फा प्लस फाइव कितना होगा, देखिए जरा, लिख सकता हूं मैं आर बाय एक्स, कोई दिक्कत, आर बाय एक्स लिख सकता हूं, और टेन अल्फा प्लस टेन, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी होता है, वन माइनस टेन ए टेन बी होता है, और ये हो जाएगा आर बाय एक्स के बराबर। टेन अल्फा और टेन फाइव हमको पता है, टेन अल्फा कितना होगा जरा आप बताइए, देख के मुझे, इस ट्रायंगल से आप टेन अल्फा निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल से, और टेन फाइव इस ट्रायंगल से, तो टेन अल्फा कितना हो जाएगा, टेन अल्फा होगा 16 माइनस एक्स बाय आर, टेन अल्फा कितना हो जाएगा 16 माइनस एक्स बाय आर, और टेन फाइव कितना हो जाएगा दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, टेन फाइव कितना हो जाएगा, टेन फाइव हो जाएगा, देखिए आप जरा सा इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल बी ओ और ये जो भी पॉइंट है बी ओ एक्स, मान लीजिए बी ओ एक्स को अगर ध्यान से देखेंगे, या इस वाले ट्रायंगल में भी अगर देखेंगे, तो टेन फाइव कितना हो जाएगा, टेन फाइव होगा 9 माइनस एक्स अपॉन आर, 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 इस वैल्यू को अगर मैं इसमें डाल दूं दोनों वैल्यू को, तो क्या बन जाएगा हमारे सामने, जरा देखिए, ये बन जाएगा टेन अल्फा की जगह 16 माइनस एक्स प्लस टेन नाइन माइनस एक्स टोटल बाय आर अपॉन वन माइनस 16 माइनस एक्स बाय आर और इंटू नाइन माइनस एक्स बाय आर इज इक्वल टू एक्स बाय आर, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 25 माइनस टू एक्स अपॉन इंटू आर स्क्वायर, इंटू आर स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस 144 माइनस 25 एक्स प्लस आर प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू आ जाएगा आर बाय एक्स, और एक होल के साथ भी रहेगा आर, तो एक आर से एक आर कट जाएगा और एक आर से एक आर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 25 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस 144 प्लस 25x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, ठीक है, इसको अगर रीअरेंज करेंगे तो ये देखिए इज इक्वल टू आर बाय एक्स तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, तो अब इसको जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए
25x से 25x कट जाएगा, 25x से 25x कट जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, ये r बाय एक्स को हम उधर लेके चले गए तो ये नहीं है अब, ठीक है। 25x से 25x कट जाएगा और 2x स्क्वायर से 1x स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144, इज इक्वल टू 144, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब हमें अगर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मिल गया, अब हम चलते हैं अपने पहले फिगर पे। देखिए ओए कितना होगा, ओए कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा ओए, और OD कितना हो जाएगा, OD भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है लेंथ ऑफ AD। तो लेंथ ऑफ AD कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ AD हो जाएगा, देखिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अगर हमारे पास आ गया 144, यानी कि OA की लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, यानी 12 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा, 24। 24 इट विल बी योर राइट आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन आप देखिए कि इसको आसानी से कर लिया गया, ठीक है, समझ गए। एक बार दोबारा देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, और आई होप अब आप उसको कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।